सृष्टि के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा से बिजनेस में तरक्की का द्वार खुल जाता है। यही वजह है कि इस दिन फैक्ट्री, कारखानों और प्रतिष्ठानों में उनकी पूजा की जाती है। वाराणसी के जाने माने विद्वान स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि पूजा के दौरान यदि भक्त राशि अनुसार उन्हें कुछ खास चीज़ें चढ़ाएं तो पूरे साल भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद उन पर बना रहता है, साथ ही कारोबार में वृद्धि भी होती है। आइए जानते हैं कौन से राशि के जातकों को भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद के लिए उन्हें क्या कुछ चढ़ाना चाहिए। इस राशि के जो जातक होंगे यदि वो भगवान विश्वकर्मा का पूजा करते हैं तो उनको लाल फूल चढ़ाने से भगवान विश्वकर्मा की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। लाल टीका लगावे, लाल चंदन का प्रयोग करें तो भगवान विश्वकर्मा की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। जो लोग वृष राशि के लोग हैं वो लोग दही का भोग लगावें, सफ़ेद वस्त्रों का भोग लगावें, सफ़ेद पुष्प का भोग लगावें अपनी राशि के नाम के अनुसार, तो उनके लिए जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा और भगवान विश्वकर्मा की बड़ी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि उनकी राशि नाम का व्यक्ति यदि चढ़ाता है तो राशि के भाग का भी सुप्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वाले जातक यदि लाल फूल चढ़ावें, कोई वस्त्र चढ़ावें, लाल कोई भी चीज़ चढ़ाने से भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। मिथुन राशि वाले हरी चीज़ों का दान करें, हरा पदार्थ का भोग लगावें या हरे पत्ते का माला बनावें या हरे पत्ते का सजावट करें तो उनके लिए बहुत ही शुभ होगा। कन्या राशि वाले भी हरे पत्ते का प्रयोग करें, हरे राशि का प्रयोग करें, हरी चीज़ों का दान करें तो उनके लिए जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। अब तुला राशि वाले जो होते हैं, तुला राशि वाले को भी सफ़ेद माला, सफ़ेद कोई भी चीज़ सुगंधित माला चढ़ावें, चंदन चढ़ावें तो उनको बहुत ही अपार कृपा प्राप्त होती है, बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। वृश्चिक राशि वाले लोग यदि लाल फूल या गजरा चढ़ावें, लाल गुलाब का गजरा चढ़ावें तो बहुत ही शुभ होता है। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि विश्वकर्मा पूजा में भगवान को बहुत सारा माला पहनाया जाता है, तो लाल फूल का माला यदि पहने से उनकी सुंदरता 4 गुना बढ़ जाती है और भगवान विश्वकर्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। धनु राशि वाले जो हैं उनको पीला चीज़ चढ़ाना चाहिए, यानी पीली लड्डू, बेसन का लड्डू भगवान को बड़े प्रिय है और उनको बेसन के लड्डू चढ़ाने से धनु राशि वाले जो उनकी राशि बृहस्पति ही प्रधान है तो उनके लिए बहुत ही शुभ होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि शनि प्रधान राशि है, जो शनिदेव के नाना भी लगते हैं रिश्ते में, तो उन लोग काला वस्तु यानी काला जामुन का भोग लगाने से शनिदेव बड़े प्रसन्न होंगे, साथ साथ विश्वकर्मा जी की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि लोहे का स्वामी दोनों हैं, विश्वकर्मा जी भी हैं और शनि भगवान है, तो शनिदेव प्रसन्न करने के लिए विश्वकर्मा की पूजा करें, विश्वकर्मा प्रसन्न करने के लिए शनि की पूजा करें, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक रिश्ते में भी आते हैं। उसके बाद कुंभ राशि वाले भी सेम वही काम करें, काला वस्तु का दान करें, काला वस्त्र का दान करें, उस दिन लोहा चढ़ावें, कोई नई चीज़ चढ़ावें, उस दिन पुष्प चढ़ावें तो भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। मकर मीन राशि वाले जो है पीला वस्त्र का दान करें, पीली वस्तु का दान करें और इससे मिठाइयों के भोग लगाने से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी।